लेकिन मैम ने बीच में करवाया था तो ढूंढ लेंगे। यहाँ पर सभी लोग जो है जब वो लेटर देने पर पोस्टमैन ने जब देखा कि उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो जसप्रीत, तो जसप्रीत ने बताया कि मेरे लेग काम नहीं करते हैं, बट आई वॉन्ट टू गो स्कूल। जैसे कि सभी बच्चे जाते हैं वैसे मैं भी जाना चाहती हूँ, उनके साथ बातें करना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। तो उसने वो उनके दिमाग में, पोस्टमैन के दिमाग में घूमता रहा। उसने अपने हेड मास्टर से बात की और वो सब मिल करके जब तक कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकल गया, वो एग्री नहीं हो गए कि हाँ उस बच्ची को बहुत मन है जाने का, कैसे हम भेजे उसको, तो सभी उसके सॉल्यूशन में लग गए। लास्ट में क्या हुआ, सब उसके काम में लग गए। व्हील चेयर तो उसको चलाना आता है, बस रास्ते में थोड़ा सा ऊंचा रास्ता है तो उसमें सब लग गए, सब ने मिलकर वर्क करना शुरू किया और वो रोड को प्लेन कर दिया। जहाँ ऊंचा था उसको काट कूट के हाँ उसको प्लेन कर दिया। देखो इसमें बनाया है, सभी लोग काम में जुटे हुए हैं। तो सी द पेज नंबर 214। फॉर दिस द अनइम्पेड रोड, अनइम्पेड रोड मींस ऊपर खाबर लेन है, फिर ऊंचा है, विपरीत अनइम्पेड हो गया। हाँ इम्पेड मतलब सीधा, ऐसे इम्पेड और जानते हो ना, जैसे कि टू है समतल समान में, और हो जाता अनइम्पेड हो गया, और यानी कि ऊंचा है, घटा बुद्धि ऐसे ऊंचा किला। तो अनइम्पेड रोड हैड टू बी मेड लेवल, उसको लेवल में कर दिया गया, प्लेन कर दिया गया, समतल रोड बना दिया गया। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन स्टार्टेड टू लेवल द रोड। जा एक ग्रुप बना बच्चों का, वो ग्रुप मिल करके उस रोड को लेवल में करने लगा, प्लेन करने लगा। अनदर ग्रुप वर्क टू लेवल द एरिया नियर द रिवर, रिवर के पास जो उसको पार करने में दिक्कत थी उसको भी कुछ बच्चों ने मिलकर लेवल कर दिया। बट देयर वॉज स्टिल अ प्रॉब्लम, अभी भी एक प्रॉब्लम था वहाँ पे। क्या, हाउ वुड जस्किन क्रॉस द रिवर। अब एक प्रॉब्लम आ गया कि अब रिवर कैसे पार करेगी, ये लेवल तो हम लोगों ने प्लेन कर दिया, अब रिवर कैसे पार करेगी। द ओल्डर चिल्ड्रेन टुक हेल्प फ्रॉम द टीचर टू मेक अ स्मॉल ब्रिज विच वुड अक्रॉस द रिवर। द ओल्डर चिल्ड्रेन, जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर चिल्ड्रेन मतलब ग्रुप बन गया था ना बच्चों का, कुछ बच्चे तुम लोगों के जितने होंगे, कुछ जो नाइन्थ टेंथ वाले भैया दीदी हैं वैसे होंगे, तो वैसे वाले जो थे उस ग्रुप के बड़े वाले बच्चे, ओल्डर चिल्ड्रेन मतलब बड़े बच्चे, वो लोग उसमें सभी की मदद से एक वुडन ब्रिज बनाने का निर्णय लिया, एक वुडन ब्रिज बना दिया, लकड़ी का रिवर के ऊपर ब्रिज बना दिया, इससे जसकित अब क्रॉस कर सकती है। हाँ रिवर था और वुडन का हो या कोई भी हो तो वो अपना व्हील चेयर तो चला जाओ, अपना व्हील चेयर तो चला ही सकती है। ठीक है, लिसन डॉक्टर। द ओल्डर चिल्ड्रेन टुक हेल्प फ्रॉम द टीचर टू मेक अ स्मॉल ब्रिज विद वुड अक्रॉस द रिवर, वुडन ब्रिज बना दिया। ये सामने क्या बात कर रही है, एवरीवन हैप्पीली वर्क्ड हार्ड, सब लोग खुशी खुशी खूब मेहनत करने लगे उस जसकित के लिए कि वो कैसे भी स्कूल जा पाए। दे वॉन्टेड जसकित टू कम टू स्कूल, सभी चाहते थे कि जसकित भी स्कूल आए मेरे साथ, वो भी स्कूल में आए। जसकित अमाले एंड अवाले गेव हॉट टी एंड बिस्किट्स टू एवरीवन। जसकित अमाले और अवाले उसके मम्मी पापा रोज गरम चाय और बिस्किट सबको देते थे, सब जो वर्क कर रहे थे वो जसकित के लिए कर रहे थे ना, दैट्स व्हाई उसके मम्मी पापा सबको चाय और बिस्किट बांटते थे। जसकित्स मेमेले हैड
tears in his eyes. अब उसके दादा जी जो थे grandfather मेमेले उनके आंखों में आंसू देख देख करके कि कैसे ये लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं और मेरी जो ग्रैंड डॉटर है जस्किस वो जा सकती है अभी स्कूल. Not because he was sad. आंसू उनके sadness के कारण नहीं थे, दुखी के कारण आंसू नहीं थे. ज़्यादातर tears क्यों आते हैं जब आप रोते हो, दुखी होते हो, चोट लग जाती है, मार लगती है, but वो दुख के कारण नहीं थे tears. Don't make sound. But because he was very happy. खुशी की वजह से भी खुशी के भी आंसू होते हैं, कभी कभी बहुत खुशी होने से भी आंसू आंखों में आ जाते. तो उनके खुशी के आंसू थे कि कितना अच्छा रोड बना दिया, कितना प्लेन कर दिया. अब मैं उन्होंने जो अपनी बेबी को बोला था कि यू डोंट ड्रीम, ड्रीम मत देखो, डू नॉट सी द ड्रीम, अब उनको खुशी होने लगी कि अब मेरी बच्ची, मेरी पोती जा सकती है स्कूल. बाय द इवनिंग द वर्क वॉज डन. शाम तक वर्क कंप्लीट हो गया. क्या बोलो, क्या ये रियल स्टोरी रियल ही होगी? बहुत पहले ही ये लद्दाख की कहानी है. रियल ही होते हैं ये सब, बच्चों को सिखाने के लिए होते हैं. तो इसको अब क्या हुआ, इवनिंग तक काम जो है पूरा कंप्लीट हो गया. ऑल द चिल्ड्रन वेयर हैप्पी, सभी बच्चे खुश हो गए कि वाह ये तो रोड बन गया, ब्रिज भी बन गया, अब तो चस्कित कल से स्कूल आ पाएगी. But the happiest of all was Chaskit. ये सभी खुशी किसके वजह से थी? ये चस्कित की वजह से. Her dream was about to come true. उसके ड्रीम जो हैं सही हो रहे थे, जो उसने सपने देखे थे कि मैं भी स्कूल जा पाती, मैं भी बच्चों के साथ पढ़ती, मैं भी खेलती, उसके ड्रीम सच होने को आ गए, सच हो गए अब. And today it was that special day. And आज वही खास दिन है. Chaskit was all ready. वो एकदम रेडी है. She was eager to go to school. अब वो बहुत ही उत्कंठित है, बहुत ही उत्साहित है, इच्छुक है स्कूल जाने के लिए. बोलो, हमारे स्कूल में भी है यहाँ पे जो बाल वॉशिंग की आनी है, बोलू वहाँ पे है ना, हमारे भी ड्रिंक करने का था. यस मैम. क्या करने का था? खेलने का. सब सोचते थे कब स्कूल खुलेगा, और जब स्कूल खुलने का आया होगा नोटिस तो सब खुश हो गए होंगे, कल से स्कूल जाना है, स्कूल जाना है ना. आते तो मुझे बहुत दिन बंद रह गया था घर में, इतने सब कब स्कूल खुलेगा, अरे स्कूल खुल रहा है, सब एकदम खुश हो गए होंगे. ओके कीप क्वाइट, चलो आगे. टॉक अबाउट इट, हु ऑल हेल्प्ड चस्किस टू रीच स्कूल, हु ऑल हेल्प्ड चस्किस टू गो स्कूल, किसने हेल्प किया चस्किस को स्कूल जाने में? अब्दुल तो किया ही, और बाकी सभी ना, ऑल पीपल, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल विलेजर्स ना, सभी ने मिलकर उनकी हेल्प की. ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, अब्दुल एंड ऑल चिल्ड्रन हैव चस्किस टू गो टू स्कूल. Now go to school.
is ready to go. If you were Abdul, what would you have done? अगर आप अब्दुल हो तो आप क्या करते? अगर आप अब्दुल की जगह होते तो क्या करते? I also help her. I also make a plan and make the road in level. मैं भी रोड को लेवल करता, मैं भी उसकी हेल्प करता है ऐसे इसमें. Done. At last, Sanket could reach school. Do you think that she may face some difficulties in school? क्या जब स्कूल गई वो चस्केट तो क्या तुम सोचते हो कि उसे कुछ डिफिकल्टी हुई होगी? What kind of difficulties? If you were चस्केट's friend, how would you help her? जब वो गई होगी स्कूल पहले फर्स्ट डे, उसे क्या परेशानी हुई होगी? क्लास में कहाँ स्कूल? हाँ, where is my classroom and where I sit? कहाँ मैं बैठूँ, किधर जाऊँ? और अगर आप कौन सा फ्लोर? आप सुनो बता रही हूँ. और अगर उसमें सात क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है कि अगर आप चस्किन की फ्रेंड की जगह होते तो आप क्या करते? तो I would like to help her and I say where is classroom, where you go for toilet, where you go for play, where is my playground, where is my classroom, where is my library, all things. In all matter, I help her. मैं हर चीज में उसकी हेल्प करता. Do you have ramps in your school on which a wheelchair can move? क्या आपके स्कूल में कोई रैंप है? रैंप मतलब जो व्हीलचेयर जैसे सीढ़ी है मान, तो सीढ़ी ना होके ऐसे वाला रास्ता रहता है ना, उसको रैंप बोलते हैं. मॉल वॉल में जाते हो तो नहीं देखते हो कि ऐसे चढ़ के जाते हैं, प्लेन सीढ़ी पे नहीं जाके उसमें चढ़ जाते हैं, वो सीढ़ी जैसा आता है. हाँ, तो वैसा कुछ है वो, उसी को रैंप बोलते हैं. ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है. यस लिख दो या नो लिखो. यस इट इज इन माई स्कूल और नो इट इज नॉट इन माई स्कूल, कुछ भी लिख सकते. डू यू नो एनी चाइल्ड नियर योर हाउस हु कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ सम डिफिकल्टीज? वुड यू लाइक टू हेल्प सच अ चाइल्ड? हाउ विल यू हेल्प? क्या आप जानते हो आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो किसी प्रॉब्लम की वजह से स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप उसकी क्या मदद करना चाहते हो? ये पूछा जा रहा है. तो नहीं लिखते ना, लिखते ना कि नो आई डिडंट फाइंड एनी चाइल्ड ऑफ दिस टाइप. या यस अगर लिखेंगे कि यस आई सॉ वन चाइल्ड दैट इज नॉट एबल टू गो टू स्कूल, तो आई हेल्प. उससे अच्छा नो लिख देना. हाँ, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे सीखने के लिए. लुक एट द बिल्डिंग्स अराउंड योर हाउस. कैन अ व्हीलचेयर गो इनसाइड द बिल्डिंग? आप अपने बिल्डिंग के आसपास देखिए कि क्या व्हीलचेयर अंदर जा सकता है. यस लिखने का कि यस लिफ्ट से लिफ्ट वाले घर में लिफ्ट से चला जाएगा. Let us do. Draw pictures of a ramp and a wheelchair in your notebook. Drawing किसको आता है बनाने? एक रैंप और एक व्हीलचेयर का फोटो बनाना है. This is homework. Why not make your own bridge? ये क्रिएटिविटी है, ये बना सकते हैं. कहाँ पर बनानी है? हाँ, कहाँ पर बनानी? नोटबुक में. अभी नहीं बेटा, घर के बनाना. अभी क्वेश्चन आंसर दो. हाँ, सब क्वेश्चन आंसर. स्कूल और वो व्हीलचेयर ना मैम? हाँ, स्कूल और व्हीलचेयर. नहीं, स्कूल नहीं. क्या लिखा है? Draw a picture of ramp and a wheelchair. रैंप मतलब वही रास्ता, एक स्कूल जैसा बना लेना और उसमें ऐसे रास्ता दे देना, ये रैंप हो गया. ओके, और रैंप वही जो ऐसे थोड़ा सा ऊंचा जैसा, नहीं सीढ़ी नहीं बना करके ऐसे देते हैं ना जाने के लिए. मान लो कि यहाँ से यहाँ चलना है तो अपने सीढ़ी
सीढ़ी पे चढ़े, एक सीढ़ी में होता है, एक यहाँ से ऐसे रहता है जगह जिसपे तुम चल के ऐसे चल जाओ। नहीं समझ रहा है, देखो जैसे कि ये मान लो सीढ़ी पे चढ़ के गए ऊपर, अब ये सीढ़ी नहीं है तो ये ऐसे है, अब इस पे से चल गए तो व्हील चेयर रहेगा तो चल जाएगा ना ऐसे, वही रैंप है। हाँ वही, यस यस, हाँ उसको, हाँ राइट राइट। होमवर्क ये बुक में है बेटा, मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, तुम लोग लिख लो। Thank you.
रणवीर डोंट मेक साउंड, डोंट टॉक। Thank you.
क्या होगा? जसकीत वाज सो हैप्पी, एक्साइटेड। हैप्पी भी सही है, एक्साइटेडली को, क्योंकि वो बहुत खुश हो गई। एक्साइटेड मतलब बहुत उत्साहित थी। हाँ। पहले दिन आया है ना कि सी वाज सो एक्साइटेड, सी वाज हैप्पी वर्ड भी आया है इसमें पहले। वो सही बोल रही है, हैप्पी भी वर्ड मैंने बनाया। इट इज सो स्पेशल दैट लास्ट नाइट जस्किन कुड नॉट इवन स्लीप। एक्चुअली वर्ड यहाँ पे एक्साइटेड ही लिखना ज्यादा अच्छा है। कौन पूछा कि क्यों तुम स्कूल नहीं जा रही हो? अब्दुल, अब्दुल dash from from
अदर चिल्ड्रेन At first, Chaskin did not know that she was there for other children, different from other children. पहले शुरू शुरू में वो नहीं समझ पा रही थी कि मैं बाकी सबसे अलग हूँ. मैं स्कूल, वो भी स्कूल जाना चाहती थी, खेलना चाहती थी सबके साथ. पर बाद में उसे पता चला कि मैं नहीं चल पा सकती हूँ. Different, यहाँ पे आएगा different. D-I-F-F-E-R-E-N-T फिर बाद में उसके पापा अबाले उसके लिए लेके आए व्हील चेयर. सो सी बिकम सो हैप्पी. ये फिर मैं नेक्स्ट डे लिख पाऊंगी. इतना लिख लो, अभी दूसरी मैम नहीं आई है ना, तब तक पूरा कंप्लीट करो. अच्छा लिख लो, जिसका नहीं हुआ लिख लो, फिर खाना खाना.